बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I hope everyone is well and I hope that everyone is planning to stay well as well. I hope कि आप मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उसके साथ जो एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक करते हैं। उसके साथ मुझे आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दूसरों का तो ख्याल रख ही रहे होंगे लेकिन अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। और जब अपना ख्याल रखने की बात करते हैं तो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। अब मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रही, मैं खाने की बात कर रही हूँ। मुझसे तो हमेशा पूछते हैं कि क्या खाती हो, क्या पीती हो, डाइट प्लान क्या होता है, एक्सरसाइज की रिजीम क्या होती है। तो अगर मेरा पूछते हैं तो फिर अपना कितना ख्याल रखते हैं ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक ही बात शेयर करती हूँ कि फिटनेस में 70% हम क्या खाते हैं, 20% एक्सरसाइज और 10% हमारा सोना, हम कितना पानी पीते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ डिनर में, यूजुअली मेरा रात का स्केड्यूल क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस अगर देख रहे हैं तो उसके साथ सब्सक्रिप्शन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, सो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आई, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर टुडेज रेसिपी विथ यू। सो डिनर में यूजुअली मैं कार्ब्स कम कर देती हूँ, बिल्कुल मिनिमल पे आ जाती हूँ और किसी एक सब्ज़ी को चूज़ करती हूँ। तो आज मैंने ये ब्रोकली जो है इसको स्टीम किया है। आजकल अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ब्रोकली जल्दी मिल जाती है और इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, तो मैंने स्टीम्ड ब्रोकली इतनी को ब्रोकली जो है ये खाऊंगी। सो एक तो ये मैंने स्टीम करके, बॉयल नहीं की स्टीम की है और हाफ स्टीम की है, यानी कि अभी भी इसमें जान बाकी है और ये बिल्कुल वो जो कहते हैं ना मेल्टी किस्म की नहीं हो गई। एक पैन को मैंने यहाँ पे रखा है हीट होने के लिए। मैं आज आपके लिए लेमन केपर फ़िश बनाने वाली हूँ और मैंने ये रेड स्नैपर जो है वो ख़रीदी है। ये अजीबोगरीब आजकल वाइट किस्म की फ़िश अवेलेबल है मार्केट में। प्लीज़ फ़िश की बैक स्टोरी और बैकग्राउंड जान के ख़रीदा करें, कुछ बहुत ही अजीब केमिकल कॉन्टेंट वाली फ़िश अवेलेबल है मार्केट में। प्लीज़ वो वाली फ़िश ख़रीदें जिसकी मतलब अगला पिछला आपको पता हो। सो आज लेमन केपर फ़िश आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको फ़िश नहीं पसंद तो आप ये प्रॉन में भी बना सकते हैं और यही रेसिपी जो है आप बना सकते हैं इन चिकन एज़ वेल। बीफ में ये कोई ख़ास मज़े की नहीं होती। सो इसको आप सॉल्ट एंड पेपर के साथ फ्लेवर करेंगे। सॉल्ट एंड पेपर, मैं यही कहती हूँ कि हमेशा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। मैं हमेशा डेली पेपर एंड सॉल्ट जो है अपने शेकर के अंदर क्रश करवा के डालती हूँ और दोनों साइडों को आपने सॉल्ट एंड पेपर के साथ वो करना है। मैं 2 पीसेस बना रही हूँ क्योंकि हमज़ा भी शौक से ये रेसिपी खाता है तो मैं 2 पीसेस बनाऊँगी। ज़रा छोटा वाला पीस मैं खाऊँगी, बड़ा पीस हमज़ा खाएगा। आपको पता है मेरे बड़े बेटे बड़े शौकीन हैं खाने के। सो ये 2 पीसेस हो गए। सबसे पहले अच्छा ये वाली रेसिपी जो है मैं बटर में बनाऊंगी, तो मैं थोड़े से बटर को डाल के बेस में इसको कुक कर लूँगी। अच्छा इसमें ना मैं कोई मैदा लगा रही हूँ ना ही मैं कोई और चीज़ लगा रही हूँ। बहुत सी जो आपको ऑनलाइन इसकी रेसिपीज़ मिलती हैं उसको लोग बनाते हैं फ्लावर या कॉर्नफ्लावर लगा के, मुझे नहीं पसंद। बिला वजह क्यों हम ऐसे कार्ब्स यूज़ करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सो आपने सिंपली सॉल्ट एंड पेपर के साथ इसको वो किया और आपने इसको बटर डाल के मक्खन, और कोशिश करें कि वो जो फ्रेश बटर आपको वाइट वाला बटर अवेलेबल होता है मार्केट में उससे करें। बाय द वे फैट हमारा दुश्मन नहीं है। अब ये नहीं कि आप मतलब मोटे मोटे वो जो कहते हैं ना चम्मच डाल के टेबल स्पून ऑफ फैट खाएं, बट थोड़ा बहुत फैट जो है वो अलाउड है हम सबको। एंड बाय द वे 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में मछली खानी चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये ज़रूर चेक करें कि आप फ़िश कहाँ से लेते हैं। मैं लाहौर में रहती हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा फ़िश वाला मिल गया है जिससे मैं रेगुलरली फ़िश जो है वंस अ वीक फ़िश लेती हूँ और बड़ी अच्छी वो फ़िश फ्रेश मुझे मंगा के देते हैं, मुझे कराची से एक्चुअली मंगा के देते हैं। और कोशिश बाय द वे करें, मैं तो खैर रेड स्नैपर यूज़ कर रही हूँ बट लोकल फ़िश का अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होता है। बिकॉज एंड बाय द वे फ़िश जो है बहुत ज़्यादा लंबे देर के लिए आपको कुक नहीं करनी पड़ती क्योंकि बड़ी डेलिकेट मीट होती है तो बड़ी जल्दी कुक हो जाती है। तो और ओवर कुक करें तो उसको वो क्या कहते हैं उर्दू में, वो चिच्चड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान करें कि आप अपनी फ़िश को ओवर कुक ना करें। और बड़ी प्यारा टू मी मछली बड़ा ही एक प्यारा मीट होती है। और ये देखें ना कि मैंने जितना कितना बड़ा पीस डाला था और वो कितना ज़्यादा श्रिंक हो गया है। सो उसको कुक होने दें थोड़ा सा। जब आपकी फ़िश जो है वो कुक हो जाएगी तो उसको फिर हम निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने करना ये है कि मैंने थोड़े से बटर के अंदर अनियंस को सौते करना है, उसके अंदर केपर डालना है। केपर जो है छोटी सी एक मटर जैसी चीज़ होती है, स्मॉल सी इस किस्म की। तो ये मटर जैसी चीज़ जो है ये हम डालते हैं, इसको थोड़ा सा मैश करेंगे, उसको थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर उसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे। बेसिकली इसमें नमक, काली मिर्च, मक्खन, प्याज, केपर्स एंड दैट्स इट। इट्स वेरी वेरी सिंपल। 4-5-6 इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं और फिश के ऊपर आप इसको पोर करें और सिंपली आप ब्रोकली के साथ उसको खाएं। बहुत ही सिंपल सी अगेन रेसिपी। एंड अगेन व्यूअर्स, इतनी झटपट और क्विक पकने वाली ये चीज़ है कि आपका मतलब मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हम लोग अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और आईं बाईं शाईं की चीज़ों में कि मैं हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो हम टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की चीज़ों में, अगर हम इस टाइम को अपनी फैमिली के ऊपर गुजारें या ऐसी चीज़ों में गुजारें जो पॉजिटिव हैं। जैसे कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक फैमिली की एक्टिविटी है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपना वक्त जो है वो अपने बच्चों के साथ गुजारूं, अपनों के साथ गुजारूं। वैसे ही टाइम कम मिलता है अपनों के साथ गुजारने को, फिर उस टाइम को आप स्टूपिड एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करें। आई डोंट नो, आई पर्सनली फील के अगर वक्त वैसे ही कम है तो उसको पॉजिटिवली स्पेंड करें। मेरे फ़िश के पीसेस अब रेडी हो गए हैं। लाइक आई सेड कि अगर फ्रेश फ़िश है, फ्रोज़न नहीं है और मतलब इट्स जल्दी बन जाती है। सो आपने अपनी फ़िश को जब अगर अच्छी तरह कुक कर लिया और थोड़ा सा आप बेशक उसको चेक भी कर सकते हैं पैन में ही, थोड़ा सा उसको अंदर से आपने चेक कर लिया, आपकी फ़िश हो गई डन। आपने अपनी फ़िश को निकाल लिया, इट्स स्टिल बाउंसी एंड नाइस। फ़िश आपने अपनी निकाल ली, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ क्योंकि फ़िश निकाल लेते हैं और थोड़ी सर्दी अगर हो बाहर तो फ़िश जो है वो आपकी थोड़ी सी अगर अंडर डन आप रहने दें, जैसे मैंने अपनी थोड़ी सी अंडर डन रहने दी है। अच्छा, इसमें बाटा काफ़ी होता है, आपने अगर ज़्यादा सॉस नहीं भी डालना तो आप ना डालें। मैं रात को, अच्छा मैंने जैसे कि आपको कहा कि मुझे हैवी खाने, मुझे मसाला जात और खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन रात को मैं अपनी मील्स को हैवी नहीं करती क्योंकि अगर आप रात की अपनी मील बहुत ज़्यादा हैवी करेंगे तो फिर आपको सारी रात वो जो होता है ना कि जिस तरह कभी कभी अम्मियाँ कहती हैं कि यहाँ पे खाना चढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ आपको बॉदर करेगी। तो थोड़ा सा हमें ये करना चाहिए कि अपनी मील्स को थोड़ा सा अगर हैवी आपकी बेशक थोड़ी सी अगर हैवी मील रात को हो भी, इवन दो आई डोंट रिकमेंड इट, जैसे फिश इज़ अ लाइटर मीट, तो कोशिश ये करें कि अपनी मील को के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें। सॉल्ट एंड पेपर इज़ गुड इनफ अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैंने अब ये डाल दिया, इसके अंदर हम केपर्स डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, थोड़ा सा मैं अपने अनियन को इतना कुक करना है कि वो थोड़ा सा सौते हो जाए। लाइक आई सेड, सॉल्ट, पेपर यानी कि काली मिर्च, अगेन फ्रेश जितनी ज़्यादा फ्रेश चीज़ें डाल सकें। ये मैंने आपके सामने केपर्स डाले, इसको थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया क्योंकि केपर्स के अंदर से बड़ा मज़े का जूस निकलता है, वो हमने डाला, ठीक है। ये आपका हो गया केपर, थोड़े से मैश हो गए अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं डालने बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये मैंने एक लेमन का जूस डाल दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप 2 लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। ये आपका हो गया, ये आपने इसको थोड़ा सा टॉस अराउंड करें, वो बहुत ज़्यादा सॉसी चीज़ नहीं होती आप चाहें तो आप अपने फ़िश के पीसेस को एक दफ़ा इसमें मूव अराउंड कर दें ताकि आपकी फ़िश जो है वो थोड़ी सी वार्म हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अभी अभी अपनी फ़िश को निकाला है। ठंडे सीज़न के अंदर थोड़ी सी आपकी फ़िश जो है वो हो जाती है। ओ थोड़ी सी उड़ती हुई हमारी फ़िश गई है जी। हमारी फ़िश विद लेमन केपर्स, लाइक आई सेड मैंने सॉस ज़रा लाइट ही रखा है, तो फ़िश विद लेमन केपर्स तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको एक्स्ट्रा हैवी भी रख सकते हैं इसमें ज़्यादा सॉस बना के, बट क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं ऐड किया, जस्ट थोड़ा सा बटर वगैरह ऐड किया, तो इट्स अ वेरी लाइट डिश विच इज़ अनियंस, केपर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ बटर। अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तियाब है, सो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।